चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित कई तरह की एग्जाम में जो क्वेश्चन करी जाती है उन सारी बातों को, उन सारी पॉइंट को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन कब मतलब स्टार्ट किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो गांधी जी, मतलब जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी जिनको बापू के भी नाम से लोग जानते हैं, वही किए थे। मतलब असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे, तो 1 अगस्त 1920 को इसका नेतृत्व किए थे। देखो, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या हो गया, सहयोग ना करना, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना। देखिए ना, असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना, यानी अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, उनकी सारी वस्तुओं को नकार देना ही असहयोग कहलाता है। तो वही था असहयोग आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन था जिसके सहारे अंग्रेजी सारी वस्तुओं को त्याग देना। यदि ऐसा हो जाता तो इसका मतलब है कि गांधी जी बोलते थे यदि ऐसा हो जाता है तो 1 साल मतलब 12 महीने के अंदर में हमें क्या हो जाएगी, पूर्णतः आजादी मिल जाएगी। देखो, असहयोग आंदोलन होने के बहुत सारे कारण थे, इसमें से 2-3 कारण बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। इनका मेन पॉइंट क्या है, तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी से लेकर 11 नवंबर 1918 तक जो था प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें अंग्रेजों ने दिमाग ये लगाया था, अंग्रेज ये बोले थे कि भारतीय लोग से बोले थे कि तुम लोग चलो मेरे साथ क्या करो, युद्ध करो। ये युद्ध किनके किनके बीच हो रहा था, तुर्की और ब्रिटिश शासकों और भी बहुत सारे देश थे, लेकिन मेन जो पॉइंट है इसमें, तुर्की और ब्रिटिश जो अंग्रेज थे इनके बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें अंग्रेज की जीत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी शासक थे भारत में, वो बोले कि चलो तुम भी इस युद्ध में चलो, प्रथम विश्व युद्ध में। तो यहाँ के भारतीय बोले कि मैं तभी चलूंगा जब आप मेरा अधिकार देंगे, हमारे अधिकार को दे देंगे, तभी हम लोग इस युद्ध में आपका हेल्प करेंगे। तो अंग्रेज बोलता है ठीक है, युद्ध जब समाप्त हो जाएगी तब मैं क्या करूंगा, तुम लोगों का क्या करूंगा, अधिकार दे दूंगा, ये अंग्रेज बोलते हैं। तो भारतीय बोलते हैं ठीक है, चले जाते हैं। बढ़ चढ़कर सारा लोग प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोग हिस्सा लेता है। जब युद्ध 1918 में समाप्त हो जाता है तब अंग्रेज अपने वादे से, अपने बातों से मुकर जाता है, तब यहाँ का जनता आक्रोशित हो जाता है, गुस्सा वाला हो जाता है जो है अंदर से एक अलग तरह से आक्रोश आने लगता है जनता, और जनता के अंदर जनता कहने लगता है कि जो अंग्रेज है, जो ब्रिटिश शासक है, इस सबके बात का कोनो वैल्यू नहीं है, ये कब पलटी मारेगा सब, इसका कोनो ठीक है नहीं है, ये ऐसा है सब। तो इसका यहाँ भी ये रीजन बना था, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन इसका भी रीजन है, ये मतलब प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही असहयोग आंदोलन आपको उत्पन्न हो, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था रॉलेट एक्ट। देखो, रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी काला कानून के नाम से नाम दिए थे, रॉलेट एक्ट को, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो मार्च 1919 ईस्वी में मतलब लागू की गई थी। ये अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा मतलब कानून बनाया गया था जिसके तहत किसी भी भारतीय को कभी भी जेल में उठाकर डाली जा सकती थी। ये एक ऐसा कानून था, अब सारे भारतीय इसका विरोध करते हैं, इसलिए करते हैं। देखो, अंग्रेज का सबसे मतलब जो इस कानून के तहत सबसे मेन जो पॉइंट था, वो चाहता था कि भारतीयों के जो क्रांति करने का अधिकार है, जो आंदोलन करने का अधिकार है, उसको छीन ले। इस क्रांति के तहत, इस आंदोलन के तहत जो अंग्रेज था वो किसी भी भारतीयों को कभी भी उठाकर जेल में डाल सकता था, उसको 2 वर्ष की सजा दे सकता था, लेकिन सारे भारतीय इसका विरोध करते हैं, डटकर इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब देखो, रॉलेट एक्ट को मार्शल लॉ भी कहा जाता है, क्या है, मार्शल लॉ भी कहा जाता है। ये कब है, तो मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। और तीसरा पॉइंट था जो बहुत जबरदस्त था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी। देखो, जालियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। यहाँ पर लोग जुलूस के लिए बहुत सारे लोग मतलब इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर जनरल डायल आता है और ये अंग्रेज का ही शासक रहता है, ठीक है ना, जनरल डायल। ये आता है और एकदम अंधाधुन क्या करता है, गोली चलवाने लगता है, एकदम राउंड पर राउंड गोली चलने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे मतलब हजारों लोग मारे जाते हैं, आंकड़ा लगभग बताया गया तो 1200 लोग वहाँ पर मारे गए, जिसमें 1600 लोग लगभग घायल हो चुके थे। लेकिन अंग्रेज अपना न्यूज में क्या फैलाया था, लगभग 200-300 लोग क्या है, मरा हुआ है, मतलब वो सारी आंकड़ा को दबा लिया। जैसे चीन जो है कोरोना कभी जो बीमारी चल रहा था, फैलाने वाला तो वही था, तो वो क्या किया कि आंकड़ा में दिखा रहा था कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इतना ही मेरे यहाँ मरीज है कोरोना का और सब ठीक है, ठीक है ना। तो आंकड़ा छुपाने का काम कौन चीन किया था, यहाँ पर भी वही सने हुआ था। यहाँ पर जो अंग्रेज था, मरा तो 1200 से ऊपर था लोग, लेकिन दिखा रहा था 200-300 लोग मर रहा है, और उसमें भी भारतीय को ही दोषी ठहरा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो मतलब मुजरिम था, जनरल डायल जो गोली चलवाया था, उसको ब्रिटिश सरकार सम्मानित करता और कहता कि वाह बहुत अच्छा काम किया। इस पर जनता जो है ना अंदर से बिखला जाता है, घुसित हो जाता है, मतलब अंदर से एकदम आक्रोशित हो जाता है और सोचता है जनता कि अब कुछ कर ही देंगे, अब इन अंग्रेजों को मारकर भगाना ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी। 1200 लोगों को मार देना जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में जब मतलब हत्या हुआ था, उसमें खून की नदियां बह रही थी। वहां पर भगत सिंह 12-13 वर्ष का होगा, मतलब 8
या 11-12 वर्ष का होगा लगभग, वो गया था जलियांवाला बाग में। उस छोटे उम्र में 44 किलोमीटर लगभग उसके घर से दूर था पड़ता है जलियांवाला बाग, ठीक है ना। वहां पर गया, उन शहीदों की मिट्टी को उठा कर लाया और कसम खाया था कि इन अंग्रेजों को मैं मार कर भगाऊंगा, इन वीर शहीदों की कुर्बानी को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। वो भगत सिंह जो छोटा बच्चा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड था ना, इसकी चर्चा नहीं करी जा सकती है। आज भी जाएगा ना पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग पड़ता है, आज भी जाएगा तो दीवारों में आपको छेद दिखाई देगा, वो सब छोड़ दिया गया निशानी के लिए। आज भी जमीन जो है ना लाल दिखाई देते हैं, इतना ना मतलब दर्दनाक घटना घटी थी, सारा लोग के मतलब झकझोर दिया। लोग तो अपन देश छोड़िए, वो अन्य देश को भी झकझोर दिया। फिर भी जो ब्रिटिश सरकार थी वो जनरल डायर को क्या करता है, सम्मानित करता है और कहता है वाह बहुत अच्छा काम किया। इस पर जनता क्रोधित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तीसरा रीजन जो ना मतलब जो तीसरा रीजन था, यहाँ के जनता के अंदर एक आक्रोश भर देता है, ठीक है ना, जिसके कारण से जाली है यह असहयोग आंदोलन क्रांति फूंक दी जाती है। अब देखो असहयोग आंदोलन जो था ना एक ऐसा क्रांति था जिसके साथ खिलाफत आंदोलन में मिल गया, मतलब इस आंदोलन देखी जाए असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। क्यों? देखो महात्मा गांधी हिंदू थे। अब देखो जब अभी बताए थे प्रथम विश्व युद्ध कितना 1918 में क्या हुआ, खत्म हो गया। देखो यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध में जो युद्ध अर्थात तुर्की और ब्रिटिश शासक और भी बहुत सारे लोग थे पक्ष में ही लड़ रहे थे, तो इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। अब जब ब्रिटिश मतलब अंग्रेज की जीत हुई थी तो तुर्की वहाँ पर जो खलीफा नाम का एक शासक था जो इस्लाम का मुस्लिम का धर्म गुरु भी शायद माना जाता था उस समय बता रहा हूँ, तो उनके अधिकारों को छीना उनको मारा, तो भारत का जो मुस्लिम लोग था वो एक आंदोलन मतलब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए कि तुम ऐसा मत करो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, तुमको यहाँ टिकने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंग्रेजों का एक जुलूस चल रहा था, अंग्रेजों का एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जनता के यहाँ पर खिलाफत का आंदोलन चल रहा था। क्यों? तो उस तुर्की के प्रति चल रहा था कि जो तुर्की में खलीफा नाम का जो धर्म गुरु है उनको उनका पद दी जाए, उनको इज्जत सम्मान दी जाए। तो यहां पर भारत में पहले ही से खिलाफत आंदोलन चल रहा था। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं कि जो मुस्लिम का खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था उसको अपने संग मिला लेते हैं। अभी इस असहयोग आंदोलन बहुत मजबूत हो गया था। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर ये आंदोलन सही तरीके से चलेगा ना तो 12 महीने मतलब एक साल के अंदर में हमें आजादी मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था जो मुस्लिम कर रहा था उसको अपने संग मिला लेते हैं। अब असहयोग आंदोलन बहुत मजबूत पड़ने लगती है। अब देखो असहयोग आंदोलन के जो कार्य थे कार्यक्रम था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक नकारात्मक दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब ये था कि अंग्रेजी जितनी वस्तु है सबको नकार दो, सबका बहिष्कार करो, अंग्रेजी स्कूल बंद करा दो, अंग्रेजी वस्तु उपयोग मत करो, अंग्रेजी नौकरी छोड़ दो, सब काम क्या करो अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग दो। और सकारात्मक में था कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, मतलब देखो अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना था। ये था, ये दो कार्यक्रम बटे हुए थे असहयोग आंदोलन के, ठीक है ना। आगे देखिए अब क्या होता है, ये आंदोलन तो सही चल रहा था एकदम, आपका मतलब समझिए कि अगर सही चलता तो साल भर के अंदर महात्मा गांधी बोले थे कि हमें आजादी पूर्णता मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या होता है कि चौरी चौरा कांड, ये यूपी के मतलब बिहार के आसपास पड़ता है गोरखपुर, तो ये यूपी के गोरखपुर में क्या हुआ, यहाँ पर लोग जुलूस निकाले थे शराब उराब का, अंग्रेजी शराब उराब बेच रहा था तो वहाँ पर लोग जुलूस निकाले थे और लोग ये बोले थे कि तुम क्या करो शराब अंग्रेजी शराब ये सब हटाओ, हम लोग खरीदने वाले नहीं है, तुम यहाँ से क्या करो भागो, जो मतलब अंग्रेजी शराब उराब का दुकान था, अंग्रेजी कपड़ा उपड़ा का दुकान था, तो यहाँ पर लोग जुलूस निकाले थे और बोले कि तुम अपना शराब ये सब बंद करो, हम लोग अब अंग्रेजी वस्तु का उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो वहाँ का जो मलिकवा रहता है सबू चला जाता है वहाँ के बगल के थानवा में और अंग्रेजी पुलिसवा आता है तो इनको धमकी दिखाता है जनता को और क्या करता है बाद में, नहीं ये लोग जनता मानते हैं तो ये जनता को क्या करता है, दो चार वो गोली मार देता है। अब जब गोली मार देता है तो इसके पास गोली तो खत्म हो गया रहता है, वहाँ का लोग क्या करता है उस पुलिसवा को खूब धोके एकदम लाते मुँह एकदम कचारता है, हलवा निकाल लेता है और सब दौड़े पुलिस थाने में भाग जाता है। तो यहाँ जो गोरखपुर का जनता था जो जुलूस निकाला था वो थाने में आग लगा देता है, सारा पुलिस वाला उसमें जड़ जाता है, सब पुलिस वाला जड़ जाता है। अब ये जब घटना महात्मा गांधी जी के पास पहुंचती है तो बड़ा झकझोर देती है, वो तो कहते हैं कि मैं हिंसा के द्वारा काम नहीं लेने वाला हूँ, ये जो असहयोग आंदोलन था ये मतलब बिना हिंसा के बिना मारपीट के ही मतलब इससे हमें देश की आजादी मिल सकती थी, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे, ठीक है। क्योंकि असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, सहयोग न करना, और साथ में महात्मा गांधी क्या थे तो सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे, सत्य और अहिंसा का नारा भी देते, वो मतलब सत्य और अहिंसा का नारा देते, हिंसा नहीं, हिंसा वो फैलाना चाहते ही नहीं थे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जो चौरी चौरा कांड हुआ था
का 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के गोरखपुर में, जो बिहार के आसपास ही पड़ता है कुछ दूरी पर, ठीक है ना। तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चोरी चोरा कांड हुआ, इस घटना से महात्मा गांधी क्या किए, नॉन कॉम्प्रेशन जो मूवमेंट था उसको वापस ले लिए, मतलब स्थगित कर दिए। जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको क्या किए, वो स्थगित कर दिए। और ये बात बोले कि अभी हमारा जो देश है ना, वो भी आजादी के लिए संपूर्णतः तैयार नहीं हुआ है, अभी उसको वेट करना पड़ेगा। वहां से ये क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, ठीक है ना। अब इससे जनता जो आक्रोशित हो जाती है, जनता महात्मा गांधी को गुस्सा होने लगता है कि अभी हम लोग को आजादी मिलने वाली थी तो आपने ऐसा इसको क्यों किया, मतलब अपने आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया। बहुत सारे जनता प्रश्न उठाने लगे थे, लेकिन इनका सोच था कि हम लोग को सिर्फ आजादी नहीं मिले बल्कि जनता ये भी सीख जाए कि आजादी की कीमत क्या होती है। हिंसा फैलाकर महात्मा गांधी कहते थे कि प्रेम से हमें देश को आजाद करना है। इनका मतलब इनका जो दल था महात्मा गांधी का एकदम ठंडा, इसको नरम दल कहा जा सकता है, और भगत सिंह का जो दल था वो गर्म दल था, वो मारपीट से एकदम अपने देश को आजाद करना चाहता था। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर अंग्रेज एक गाल पर चमेटा मारता तुम अपना दूसरा गाल खा करो आगे कर दो, एक ना एक दिन वो क्या लज्जित होगा और तुमको प्रणाम करेगा, मारेगा नहीं, मारना बंद कर दे। वो महात्मा गांधी का सिद्धांत था, ठीक है ना। तो यहाँ पर चोरी चोरा घटना के बाद, चोरी चोरा कांड घटना के बाद वो क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस पर सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि एक वर्ष में आजादी की बात कर देना बड़ा आसान है, ये सब लड़का बात करता है, और विवेकपूर्ण जो बुद्धि वाला इंसान नहीं होता वही बात करता है। कौन बोले थे, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये असहयोग आंदोलन को, मतलब ये जो असहयोग आंदोलन था ये पहली बार मतलब भारत की जनता को क्रांति के प्रति खड़ा किया था, मतलब आंदोलन के प्रति एकदम खड़ा किया था। इस कारण से असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है ना। तो पूछ भी सकता है कि किस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, तो बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा आंदोलन था, स्टार्टिंग यही आंदोलन था जो जनता को ब्रिटिश शासक के प्रति खड़ा किया था, युद्ध करने के लिए, क्रांति करने के लिए खड़ा किया था। इसी कारण से असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। तो आई होप इस तरह से आपको ये असहयोग आंदोलन की जो भी बातें हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है, वो सारी बात आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।